लेकिन बजट में 500 रुपए अभी घोषणा कर रही है सर बीजेपी सरकार। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, एक कहावत है जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। बीजेपी के लोग बम्बई सरकार ना नकल कर पाई ना अकल, कोशिश दोनों की। हम 2000 रुपया हर महिला मुखिया को हर महीने अगले 5 साल तक देंगे उनके खाते में, बैंक के खाते में। तो आप मुझे बताइए वो उसकी नकल मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो नकल मारनी थी तो 5000 रुपया तो कम से कम हस्तांतरण करते ना। हम हर महीने गृह ज्योति योजना से कर्नाटक के हर घर को 200 यूनिट बिजली देने की घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बीपीएल परिवारों को 70 यूनिट देंगे, कोई लेगा क्या ऐसे? और अगर आपको करना था बोम्बई साहब तो 4 साल में क्यों नहीं किया? 4 साल तो आप सोए पड़े रहे कुंभकर्ण की नींद, और जब 20 दिन आपकी सरकार को बचे हैं तो आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, 20 दिन में कैसे लागू करेंगे? तो ये जो है जो एक वो कहावत है कि ये कान में फूल लगाने वाली बात है, ये बेवकूफ बनाते हैं सबका, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलो इनका तकिया कलाम है, पर झूठ नहीं चलेगा क्योंकि सत्य कांग्रेस का सत्य गांधी का सत्य ही जीतेगा। सीएम का फिर से कब ये बोलता है? देखिए सीएम जी परमेश्वर जी तो हमारे बहुत अभिन्न साथी हैं, बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, परिवार के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, चेयरमैन भी हैं हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ लड़ाई पदों की नहीं है, यहाँ लड़ाई कर्नाटक के लोगों को एक भ्रष्टासुरा सरकार से राहत दिलाने की है। यहाँ लड़ाई हर घर तक 200 यूनिट बिजली फ्री पहुँचाने की है, जो गृह ज्योति योजना है। यहाँ लड़ाई हर महिला को, जो घर की महिला मुखिया है, उस तक 2000 रुपया हर महीने उसके खाते में पहुंचाने की है, जो गृह लक्ष्मी योजना है। यहाँ लड़ाई किसान को, गरीब को, दलित को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को, महिला को, युवा को, उनको न्याय दिलवाने की है। और हमारी लड़ाई पदों से बढ़कर प्रदेश के लिए है, कर्नाटक के लिए। क्या किसी की MLA MP मिनिस्टर बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? वो ठीक है, राजनीति में इच्छा या आकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, पर डॉक्टर साहब परमेश्वर जी हों, MB पाटिल जी हों, DK शिवकुमार जी हों, सिद्धारमैया साहब हों, हम सतीश जारकिहोली हों, सलीम अहमद हों, हम सब हों, हमारा लक्ष्य केवल एक है, ब्रांड कर्नाटका दुनिया में सबसे बड़ी ब्रांड बनकर उभरे, और उसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी की हार में ही कर्नाटक की जीत है।